हाय एवरीवन शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ थ्री पॉइंट टू का ये नेक्स्ट पार्ट है इसके पहले मैं आप लोगों को दो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ पूरे पूरे कई मतलब ऑलमोस्ट फिफ्टीन सिक्सटीन सेशंस के साथ में दे चुकी हूँ उनको आप देख सकते हैं सब कुछ प्लेटफॉर्म पर चैनल पर अवेलेबल है उनको प्लीज़ जाकर देखिए आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम परसपेक्टिव से और आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो कन्फर्म सिक्स फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी मार्क्स आपको मिल सकता है इस सीरीज से और इसके पहले दो सीरीज़ और आ चुकी हैं उनको आपको देखना है वन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ और थ्री पॉइंट ओ है वर्जन इसका ठीक है इसका ये फोर्थ पार्ट है इस सीरीज़ का इसके पहले मैं काफ़ी समय से नहीं बना पा रही थी फॉर वेरियस रीजंस ये वाले सीरीज़ वापस से आई एम स्टार्टिंग आई एल ट्राई कि मैं आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक वीडियो तो दे ही दूँ इसका एक्सक्लूसिवली फॉर गेट नेट ये है बाकी के एग्जाम्स में भी डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आप लोगों को शुरू करने से पहले बस एक सिंपल सी बात आप लोगों का की विशेज आप लोगों के जो प्रोत्साहन है वो बहुत जरूरी होता है टाइम्स काम करने के लिए तो लाइक करके वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके चैनल को आप आपके आप दिखा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी और इसकी जो पुरानी जितने भी वीडियोज़ हैं जितने भी सेशन्स हैं उन सबके भी लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप डायरेक्टली जाकर उसको देख सकते हैं लेट्स लेट्सपिकिन सबसे पहले जो स्लाइड है आज इसमें हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में ठीक है आप सभी को पता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है और जब वो अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन में प्रजेंट होता है तो देर आर वेरियस बॉन्ड्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कॉन्फॉर्मेशन के बनने के लिए ठीक है कौन से टाइप या कौन सा जो प्रोटीन है या स्ट्रक्चर है वो कौन से उसको हम किस उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में क्लासिफाई करेंगे ये यहाँ पे देखेंगे और कौन से बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है ये आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज़ बेसिक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है अमीनो एसिड सीक्वेंस आप यहाँ देख पा रहे हैं इसके फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉसिबल है बॉन्ड दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये एग्जाम्पल्स होंगे एल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड और अनस्ट्रक्चर्ड ठीक है एल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रैंड और अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ पे जो आपका बॉन्ड रहेगा दैट विल बी बैक बोन कॉन्फर्मेशन फिर आता है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में एल्फा हेलिक्स बंडल आ जाता है और बीटा शीट आ जाता है एंड मेनी मोर मोटिव्स विल बी है ठीक इस है इसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं दैट दोज आर हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फिर आता है टर्शरी स्ट्रक्चर टर्चरी स्ट्रक्चर में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन डाइसलफाइड बॉन्ड और एक एक्स्ट्रा जो आपको यहाँ देखने मिलता है दैट इज शेप कॉम्प्लीमेंट टैरिटी एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर साइड चेन और स्ट्रक्चरल डोमेन्स ठीक है फिर आता है फाइनली क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इसमें वो सारे ही बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर में थे तो सेम है बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है इसकी कंपेरिजन में अदरवाइज भी यहाँ पे भी सब सेम है ऑलमोस्ट ऑलिगोमर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड द बॉन्ड्स रेलिवेंट ठीक है टू इट आगे बढ़ते हैं हम अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्स लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में आपको यहाँ पे कंडीशंस मेंशन की गई हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए हैं एट टाइम्स फ्रीक्वेंटली आपको ये पूछी जाती हैं चीज़ें एग्ज़ाम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट जस्ट बिकॉज आप ध्यान नहीं देते उस टाइम पे इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर ऑल द इनफॉर्मेशन हेयर इथ सेल्फ ठीक है जैसे कि आप इसको एक बार में एग्जाम के पहले रिवाइज करके जा पाओ और आपको काफ़ी कुछ एग्जाम हॉल में मिल जाए यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस ड्यूटन टाइप इनसेंसिटिविटी हो जाती है ग्रीन लाइट के लिए फिर आता है जी सिक्स पी डी डेफिशियंसी गफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस सीवियर एनिमिक रिएक्शन हो जाता है फॉलोइंग इनटेक ऑफ प्राइमाक्वाइंस इन ड्रग्स एंड सर्टेन फूड्स इंक्लूडिंग बीन्स प्राइमाक्वाइन से अलग से एक क्वेश्चन आ चुका है आपका सेक्शन सी में ठीक है तो और ये इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है ठीक है तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है हिमोफिलिया ए क्लासिक फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग डेफिशिएंसी होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एर्थ हिमोफीलिया बी क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है इसको डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नाइन यहाँ पर होता है लेश नैन सिंड्रोम जो है उसमें आपको मिलता है देखने के लिए डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोजेंथीन गुआनीन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम एच जी पी आर टी जिसको कि हम बोलते हैं लीडिंग टू मोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन सेल्फ म्यूटिलेशन एंड अर्ली डेथ ठीक है तो ये इसके मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेटैंड एंड रोम के आपके सामने मैंशनड है देख लीजिएगा इसको जरूर से वापस से ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी बार आपको यहाँ से पूछा गया इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में डू कैन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव लाइफ शॉर्टनिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय मसल डीजेनरेशन एंड वीकनेस डिफिशियंसी ऑफ़ द प्रोटीन डिस्ट्रोफिन ठीक है तो किस प्रोटीन का यहाँ पे डिफिशियंसी हो जा रही है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की यहाँ पे कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है एच जी बी भी क्रिसमस डिजीज है फैक्टर नाइन की कमी से हेमोफीलिया है फैक्टर एट की कमी से जी सिक्स पी डी कमी से एंड देन यहाँ पे आपका प्राइमा क्वाइंस का जो ये होता है और कलर ब्लाइंडनेस यूट टाइप इन सेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए अपना पापा पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से कल ठीक है तो टाइमली चैनल को आप वापस से सब्सक्राइब कर लो और मतलब वापस से एज इन वापस वापस देखते रहो वीडियोज़ को आकर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ठीक है ठीक केयर एवरीवन बाय बाय